अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान श्री राम लला अब दोपहर में एक घंटे दर्शन नहीं देंगे। इस दौरान वे विश्राम करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की देखरेख करने वालों के बीच सहमति बनी है कि 16 फरवरी यानी अचल अष्टमी के पर्व से दोपहर में एक घंटे की कटौती की जाएगी। नए सिस्टम के तहत श्री राम लला दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच विश्राम करेंगे और इस दौरान मंदिर के पट भी बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर पहुंच रही है। आराम मिलना चाहिए ये ट्रस्ट ने सोचा है, क्योंकि दर्शन का समय बहुत बढ़ गया है और दोपहर में जो विश्राम होता था वो इसका स्थगित है, तो इसलिए ये विचार हो रहा है कि उसका समय जो 2 घंटे का था उसको कम से कम 1 घंटे किया जाए और दर्शन का भी समय ऐसा रखा जाए जिससे कि प्रभु के सुबह की और शाम की सब आरतियाँ और भोग वगैरह में एक व्यवस्थित कार्यक्रम हो जाए। भक्तों के श्रद्धा और भक्तों के भावना को देख करके जो भगवान के 2 घंटे का विश्राम था उसको नहीं किया जा रहा है, अब विचार कर रहे हैं ट्रस्ट वालों ने कि नहीं, भगवान के विश्राम की अवधि निकाली जाए, तो हो सकता है कि जल्दी ही दो घंटे की बात है जो 12:00 से 2 बजे तक होता था वो निश्चित है होने वाला है। श्री राम लला जब अस्थाई मंदिर में रहते थे तो उनके विश्राम करने का वक्त दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे के बीच तय था। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि शास्त्रों में भगवान के विश्राम करने का वक्त 2 घंटे बताया गया है,